हाय फ्रेंड, आई एम मॉलॉय। मैं शुरू कर रहा हूँ आज के एक नया वीडियो और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बजीस कॉलोनी हैशटैग मॉलॉय। और इसके तरफ से आप लोगों को बहुत सारा शुभकामनाएं और धन्यवाद और वेलकम। तो चलिए आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो टॉपिक है कि बजीस को आप लोग कैसे रखें कि वो लोग सुस्त रहे और अच्छे से रहे। तो उन लोग का ख्याल कैसे रखा जाता है, वो लोग को पाला कैसे जाता है, तो चलिए बताते हैं। और आप लोग मेरे संग रहिए, वीडियो बहुत इंटरेस्टेड होने वाला है, तो प्लीज़ मेरे साथ रहिए। जो वीडियो मैं बताने जा रहा हूँ कि पहले ही वो लोग को पर डे दाना पानी देना होगा। आप दाना दो दिन बाद भी दे सकते हो, लेकिन पानी हर रोज़ चेंज करिए और हफ्ते में 3 से 4 दिन वो लोग को मेडिसिन दीजिए। वो मेडिसिन आप अपने रिकमेंड का भी हो सकता है, किसी के रिकमेंड का भी हो सकता है, बट वो लोग को मेडिसिन के बारे में भी मेरा वीडियो आएगा तो उस टाइम में आपको बता देंगे कैसे क्या मेडिसिन देना चाहिए। बट अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो लोग का जब अच्छे प्रोग्रेस के लिए आप वो लोग को मेडिसिन ज़रूर प्रोवाइड करें। और तुलसी पत्ता, फिर घास होता है वो भी दीजिए। और आप हफ्ते में एक बार नीम के पानी दे सकते हैं, नीम को एकदम निचोड़ के उससे जो पानी निकलता है वो भी दे सकते हैं। उसके लिए वो लोग के पूरा हार्ट पेट सुस्त रहता है, वो लोग को कोई बीमारी नहीं होता है। तो आप मतलब जैसे भी जहाँ भी आप रख रहे हैं अपने बजीस को, कि एक ऐसा जगह रखिए कि वो लोग सब समय मतलब जहाँ ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है वहाँ पे रखिए, थोड़ा शांत स्वभाव में रखिए। 100% आपका बजीस ग्रो करेगा एंड बर्ड्स का ब्रीडिंग प्रोग्रेस अच्छा होगा। और मैं चलता हूँ नेक्स्ट वीडियो की तरफ। ओके, धन्यवाद।